आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल। दोस्तों इंटरनेट के फील्ड में आईपी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस बात का अंदाजा आप सिर्फ इससे लगा सकते हो कि अगर किसी को भी आपकी आईपी पता है तो वो आसानी से आपके सिस्टम को हैक कर सकता है। तो ये आईपी क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है, साथ ही इसके टाइप कितने होते हैं, ऐसे कई सवाल हैं जो आपको परेशान करते होंगे। तो आज के इस वीडियो में आसान भाषा में हम इन सभी टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ सबसे पहले बात करते हैं आईपी एड्रेस की। देखो इस टॉपिक को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं। आप सबने फेसबुक चलाया, फेसबुक में क्या होता है, एक आईडी होती है, एक पासवर्ड होता है, जिसकी मदद से आप फेसबुक की जो दुनिया है, जो अरीना है, वहां पहुंच जाते हो। अब वहां पे आपको किसी की भी प्रोफाइल देखनी है, कोई फोटो अपलोड करना है, म्यूजिक अपलोड, वीडियो, कुछ भी आपको करना है, आप वो चीज उस फेसबुक की दुनिया में कर सकते हो। आपको एक एक्सेस मिल जाता है उस आईडी की बदौलत। सेम लाइक जो आपका आईपी एड्रेस होता है वो होती है आपकी आईडी, कहाँ के लिए, इंटरनेट के लिए। मतलब इंटरनेट की जो दुनिया में आप जाते हो तो आपकी वहां पे क्या आईडी है वो होता है आपका आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस की वजह से आप इंटरनेट पे पूरा एक्सेस कर सकते हो। वहां पे कोई भी आपको कुछ भी अपलोड करना है, कुछ भी वहां से डाउनलोड करना है, किसी का ब्लॉग पढ़ना है, कोई भी मैसेज भेजना है, वो सब चीज किसकी वजह से होती है, आईपी एड्रेस की वजह से होती है। तो आईपी क्या है, एक्चुअल में आपकी एक आईडी होती है। अब यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करो, इसका एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आप एक चीज नोटिस करो कि अगर मुझे यहाँ से किसी को भी कुछ भी भेजना है तो मुझे उसका एक एड्रेस पता होना चाहिए। सपोज अगर मुझे यहाँ से दिल्ली में कोई मेल भेजना है या दिल्ली में कोई मतलब कुछ भी डिलीवर करना है तो मुझे उसका एड्रेस पता होना चाहिए। सेम लाइक आप ये सोचो कि आप यहाँ से कोई मेल भेजते हो और इंटरनेट की दुनिया में हजारों लाखों करोड़ों पता नहीं कितने कंप्यूटर है, तो उनमें से आप जहां भेजना चाहते हो वहीं पे कैसे पहुंचता है, वो पहुंचता है उस आईपी की बदौलत, क्योंकि वो आईपी उस एक पार्टिकुलर कंप्यूटर के एक पार्टिकुलर लोकेशन वहां पे डिसाइड कर देता है इंटरनेट की दुनिया में। और वहां पे आपका जो भी काम है, जो भी चीज आप डाउनलोड कर रहे हो या अपलोड कर रहे हो या किसी को मेल कर रहे हो, वो चीज प्रॉपर जगह पे पहुंचती है। आपने कभी ये देखा है कि आप यूट्यूब पे कोई चीज अपलोड कर रहे हो और वो फेसबुक पे अपलोड हो जाए, ऐसा नहीं होता, क्योंकि वहां पे क्या चीज है, आपकी जो आईपी है वो मैच कर रही है YouTube की IP से। क्लियर हो रहा है? तो इस तरीके से जो IP एड्रेस होती है वो आपके कंप्यूटर की एक प्रॉपर लोकेशन होती है इंटरनेट की दुनिया में, आपकी एक प्रॉपर आईडी होती है। अब यहाँ पे सपोज किसी के पास आपकी आईपी है तो वो आपके सिस्टम को हैक कैसे कर सकता है। देखो अभी हमने एक एग्जाम्पल लिया था फेसबुक का। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि आपकी फेसबुक की आईडी और पासवर्ड मुझे पता है तो क्या मैं आपका जो फेसबुक आईडी है उसको हैक कर सकता हूँ, जवाब होगा हाँ। सेम लाइक जो हैकर्स होते हैं, अगर उनके पास आपके इंटरनेट की जो लोकेशन है उसका प्रॉपर एड्रेस हो तो वो सिस्टम हैकिंग में जो भी कोड्स वगैरह होते हैं उनकी मदद से आपके सिस्टम को हैक किया जा सकता है। साथ ही आपकी जो लोकेशन है, जैसा कि मैंने बताया कि आपकी एक प्रॉपर आईडी क्रिएट करता है, सेम लाइक अगर आपने फेसबुक के बारे में देखा होगा तो आपको पता होगा कि फेसबुक आपकी लोकेशन को ट्रेस करता है। इसी तरीके से जब भी कोई चीज अगर आपके इंटरनेट पे लोकेशन को ट्रेस करना होता है तो वो आपके आईपी एड्रेस के बिहार पे होता है। अगर आपने कोई भी हैकिंग मूवी देखी होगी तो उसमें आपने नोटिस किया होगा कि अगर कोई भी जो क्राइम ब्रांच वाले होते हैं, अगर वो किसी की भी मतलब कोई भी अगर हैकर है उसको सर्च कर रहे हैं तो उसके लिए बार बार बोलते हैं कि इसके आईपी एड्रेस बार बार चेंज हो रही है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसकी आईपी एड्रेस पता होना मतलब उसकी लोकेशन पता हो जाना और आप उसे आसानी से ट्रेस कर सकते हो। अब यहाँ पे बात करते हैं, जो आईपी होती है दो तरीके की होती है, एक होती है स्टैटिक आईपी और एक होती है डायनामिक। जो स्टैटिक आईपी होती है वो परमानेंट होती है और जो डायनामिक होती है वो टेम्पररी होती है। इसका क्या मतलब है, देखो ध्यान दो, आप लोग जो इंटरनेट चलाते हो किस किस के थ्रू चलाते हो, या तो कोई आपके प्रॉपर जो सिम है, चाहे वो जियो हो गया या फिर एयरटेल हो गया, वोडा हो गया, इसके थ्रू, वो होती है स्टैटिक आईपी, क्योंकि वहां पे आपको एक पार्टिकुलर आईडी के थ्रू आपको एक पार्टिकुलर इंटरनेट एक्सेस दिया गया है, तो आपकी आईपी वहां फिक्स रहेगी। आप चाहो 24 घंटे चलाओ, 10 घंटे चलाओ, 20 घंटे चलाओ, जितने भी घंटे चलाओ। लेकिन जो जिससे आप वाईफाई कनेक्शन लेते हो, आपने नोटिस किया होगा जिससे भी आप इंटरनेट कनेक्शन लेते हो एज अ वाईफाई, वो जो आपको आईपी देता है एक्चुअली उसके पास खुद एक नंबर ऑफ आईपीज होती है जिनमें से वो आईपीज अपने जो भी कस्टमर है उनको ट्रांसफर करता है। तो वो बेसिकली मतलब कि टाइम टू टाइम वो जो आईपी है वो कभी किसी के पास है, कभी किसी के पास है, कभी किसी के पास है, इस तरीके से वो जो आईपी है वो चेंज होती रहेगी। अब अगर आपको अपनी आईपी जाननी है, आप सीधा गूगल पे जाओ और वहां पे आप लिखो व्हाट इज माय आईपी, तो आपको वहां पे अपनी आईपी पता चल जाएगी। अब वहां आप नोटिस करना कि अगर आपके स्टैटिक आईपी है तो वो हमेशा वैसा ही दिखाई देगा, लेकिन अगर आपने वाईफाई का कनेक्शन लिया हुआ है तो आप आज आईपी चेक करो और फिर आप 2 या 3 दिन बाद आईपी चेक करना, आप देखोगे आपकी आईपी चेंज हो जाएगी। तो ये था दोस्तों ऑल अबाउट आईपी। इसी आईपी पे एक और टॉपिक भी आती है, आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6, इसमें क्या डिफरेंस है। मैं इस टॉपिक को इस वीडियो में बता सकता था लेकिन वो
आई डोंट थिंक कि अच्छे से क्लियर हो पाता। तो दोस्तों अगर आप उसके बारे में वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताएं, और ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी बताएं, और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।